किसान भाइयों, अगर हम सिंचाई की बात करते हैं तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि झारखंड राज्य में किसानों को की उपज को प्रभावित करने का एक महत्वपूर्ण कारक होता है सिंचाई। बहुत सारे किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है और पर्याप्त सिंचाई की, और बहुत सारे किसानों के पास सीमित मात्रा में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। दोनों ही परिप्रेक्ष्य में अगर हम सिंचाई की बात करते हैं तो अगर आपके पास सिंचाई की कोई समस्या नहीं है तो 5 से 7 दिनों के अंतराल पर नियमित सिंचाई में जाना चाहिए और इसका उपज पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। परंतु यदि सिंचाई की जो हमारे पास संसाधन है वो सीमित है तो उसके लिए कुछ विशेष अवस्थाओं पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। पहली तो जब हमारा बुआई का समय होता है उस टाइम खेत में मिट्टी में पर्याप्त नमी उपलब्ध होनी चाहिए जिससे जर्मिनेशन या अंकुरण हमारा अच्छा हो सके। यदि उस समय मृदा नमी में कमी होती है तो हमारा अंकुरण प्रभावित होता है जिसका सीधा असर हमारी उपज पे और आखिरकार हमारी आमदनी पे पड़ता है। इसके अलावा किसान भाइयों, जो पहली सिंचाई की हमें आवश्यकता होती है वो बुआई के 15 दिन बाद हमें खेत में कर देनी चाहिए, और फिर फूल बनने के समय और पॉड यानी कि फली बनने के समय हमें ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि इन दोनों ही अवस्थाओं पे जो क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं इसमें किसी भी प्रकार से जो मृदा की नमी है उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपके पास सीमित मात्रा में सिंचाई जल उपलब्ध है तो इन अवस्थाओं पे अवश्य सिंचाई करें जिससे हमारी जो उपज है वो अच्छी हमें प्राप्त हो सके। किसान भाई, अगर इसमें हम बात करते हैं, पहले तो हमें थोड़ा सा, चूँकि खरीफ मौसम से थोड़ा गर्मा मौसम बोदी खेती में अंतर होता है, तो जो आप बुआई करते हैं तो बीज का उपचार अवश्य कर लें। अगर आप केवल बीज उपचार पर ध्यान देते हैं तो बहुत सारी जो हमारी मृदा जनित बीमारियां होती हैं जिससे हमारी फसल प्रभावित होती है तो उससे उसे बचाया जा सकता है। तो बीज उपचार के लिए हम ट्राइकोडर्मा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करते हैं तो 6 से 7 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से हमें पर्याप्त होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके लिए कार्बेंडाजिम के लिए, तो इसके लिए फिर हम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, राइजोबियम कल्चर का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके लिए हम 2 किलो जो हमारा जो 250 ग्राम या 250 ग्राम का जो हमारा 200 से 250 ग्राम का जो हमारा राइजोबियम कल्चर होता है वो हमारा 10 किलो बीज के लिए पर्याप्त होता है। तो इसको हम पहले गुड़ का घोल बना लेते हैं, उसके बाद उसे ठंडा करके लेते हैं, उसमें इसे मिला के फिर इससे हम उपचारित कर सकते हैं। आप बोदी का या किसी दलहनी फसल का चुनाव कर सकते हैं जो कि हमारी ज़मीन की जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको बढ़ाने का भी काम करती है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसमें खरपतवार नियंत्रण का किसान भाइयों, तो ये एक महत्वपूर्ण विषय होता है। खरपतवार नियंत्रण इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि हमारी मुख्य फसल के साथ ये संसाधनों के लिए जो भी हम खेत में प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए प्रतियोगिता करता है और हमारी मुख्य फसल को प्रभावित करता है। तो खरपतवार नियंत्रण, चूँकि ये झाड़ीदार किस्में होती हैं तो इसमें हमें शुरुआती जो 4 से 5 हफ्ते होते हैं उसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसमें अगर हम कम से कम 2 बार हाथ से ही निराई गुड़ाई कर देते हैं तो ये पर्याप्त होती है, और इसके बाद जो हमारी फसल होती है उसको खुद ही उसकी जो वृद्धि और विकास होता है इतना घना हो जाता है कि उसमें फिर हमें अन्य फिर दोबारा हमें खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं होती है।